सभी को जय श्री राम। जम्मू से अयोध्या की पैदल यात्रा का आज है मेरा 7वां दिन और अभी इस वक्त मैं पंजाब राज्य के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा हूँ। तो कल की रात मैं पीछे एक गुरुद्वारा में बिताया था। वैसे जल्दी जल्दी मैं उस गुरुद्वारा में चला गया था, सुविधाएँ कुछ खास थी नहीं, हालाँकि रात हो गई थी और थक गया था, तो इसीलिए मैं टोल प्लाजे के पास उस गुरुद्वारा में रुक गया था। तो अभी यहाँ से 22-25 किलोमीटर का डिस्टेंस है अमृतसर गोल्डन टेम्पल का। तो मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोल्डन टेम्पल दिखा दूंगा, मेरी कोशिश यही रहेगी। तो अभी भाई सुबह के बज रहे हैं 9 और इतनी उमस लग रही है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो गुरुद्वारा में मैं थोड़ा सा प्रसादा खाया था, मतलब 2 रोटियां खाई थी। अभी मुझे लगता है आगे बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा और उमस इतनी ज़्यादा है भाई, मुझे ऐसा लगता है इधर भी बारिश हो सकती है थोड़े टाइम बाद। बाप रे भाई, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही यार, इतनी उमस। मैं तो नहा के निकला था कपड़े पहन के, जब उसके 10 मिनट बाद ही भीग गया था पसीने से। अब थोड़ा मौसम अच्छा हुआ भाई, थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी है, राहत मिलने लगा है और सामने बादल छाए हैं अमृतसर की तरफ, हो सकता है थोड़े टाइम बाद बारिश हो जाए। जेठूवाल गाँव इसके पीछे है रोड के, मतलब यही पूरा जेठूवाल ही गाँव है और मौसम देखो इस तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। ओह, सामने दिख रहा है भाई ये वाइट ना, जो ये बारिश ही हो रही है, तो आगे बारिश शायद थोड़ी बहुत आएगी। रोड के किनारे एक आंटी जामफल बेच रही थी, तो मैंने पूछा आंटी जी क्या भाव है, बोल रही है 120 रुपया किलो। मैं बोला 10 रुपया का मिलेगा, बोल रही 10 रुपया का एक भी नहीं मिलेगा। फिर जब मैं चलने लगा तो बोल रही है कि 10 रुपया का एक दे दूँगी। मैंने बोला आपने तो पहले ही 10 रुपया की वैल्यू ही ख़त्म कर दी कि 10 रुपया में एक जाम फल नहीं मिलेगा। सामने है एक पेट्रोल पंप, यहाँ से एक बोतल पानी भी भरना है और लगता है ढाबा है, शायद रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। भाई परोठा आ चुका है आलू का और 11 बज रहे हैं यार, क्या करें, अभी नाश्ता ही मिल रहा है, बोल रहे हैं खाना नहीं है, तो दही ले लिया है, परोठा ले लिया है। परोठा 50 रुपये का है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है। भाई ने ट्रैक्टर को ट्रैक्टर के ऊपर ही चढ़ा दिया और ये कहीं लंबा सफ़र पर जा रहे हैं, इसीलिए एक ट्रैक्टर को ऊपर रख लिए हैं, बाकी ट्रैक्टर की ट्रालियां जोड़ लिए हैं। बारिश ना स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी यहाँ कुछ टाइम तक रुकूंगा, नाश्ता करके फिर निकलूंगा आगे की तरफ। अभी ये भाई भाग गया था, फिर आ रहा है लेके कंबल। पेट्रोल पंप पे पानी भर लिया हूँ एक बोतल और देखो बारिश स्टार्ट हो गया है। होटल से जैसे ही मैं निकला, इधर आया पेट्रोल पंप पे, बारिश चालू हो गया यार। भाई जब तक मैं पेट्रोल पंप पे बैठा था यार बारिश नहीं हो रही थी, जब चल दिया फिर होने लगी यार। तो अभी खींच के चलना है भाई फटाफट, मैं चाहता हूँ कि बारिश में ना चलना पड़े, जूते फट गए हैं भाई, मिट्टी गीली मिट्टी पानी आ जाता है यार, फिर बड़ा अजीब सा लगता है चलने में। तो ये है बाईपास और वो वाला सिटी का रास्ता है अमृतसर सिटी की तरफ जाने का, तो मैं सिटी से होकर ही चलूँगा। बाईपास वाला रास्ता छोड़ दिया है और सिटी वाला रास्ता ले लिया है, तो सबसे पहले पहुँचूँगा मैं गोल्डन टेम्पल। अगर वहाँ रात को रुकने का मौका मिला तो ठीक है यार, बताते तो हैं गुरुद्वारे हैं वहाँ भी, तो वहीं चल के रुकूँगा यार। दोपहर को 2 बज गए हैं और बारिश बहुत तेज़ की हो रही थी, तो फिर से एक बार इस टूटी फूटी झोपड़ी के पास रुकना पड़ा था, बैग इधर रख दिया, अब निकल गया, धीरे से आगे बढ़ता हूँ मैं। अब नीचे रेलवे क्रॉसिंग थी इसलिए मैं डाइवर्जन के ऊपर से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो समय का पता ही नहीं चल रहा भाई, समय कब कितनी जल्दी क्या बजा दे रहा है। तो 3 बजने वाले हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ से गोल्डन टेम्पल का। अभी जिस डाइवर्जन के ऊपर से मैं चल रहा हूँ इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबाई है और ये पूरा ऊपर है यार, सिटी के ऊपर बना है। कमाल है, यहाँ से सिटी वाले बसें भी चलती हैं और इधर का व्यू देखो ऐसा। तो अभी यहाँ से गोल्डन टेम्पल का डिस्टेंस 6 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर डाइवर्जन बहुत लंबा है यार। अभी पीछे कुछ भाई लोग मिले थे तो वो बता रहे थे कि ये सिटी बस के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर बड़ी गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ सभी गाड़ियाँ आ जा सकती हैं और यही कुछ 2-2.5 किलोमीटर का है ये, तो अभी आगे चल के ये ख़त्म होने वाला है, नीचे उतरेगा। अभी इस वक्त मैं अमृतसर सिटी में हूँ और ये शिव जी की एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ दर्शन कर लिए हैं मैंने शिव जी के। और बताते हैं कि ये जो ज़मीन है मंदिर परिसर की, कोई 2 भाई थे उन्होंने जो है मंदिर परिसर के लिए ये ज़मीन को दान कर दिया है। और सामने आपको नियम कानून दिखाते हैं हम इस मंदिर में, वैसे हर मंदिर में होना चाहिए, विनम्र प्रार्थना है कि सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर में मर्यादा वस्त्र पहनकर ही आएं, छोटे वस्त्र हाफ पैंट
बरमुंडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जींस आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन करेंगे सहयोग करें। तो ये हर मंदिर में नियम कानून होना चाहिए। मैंने बहुत से मंदिरों में देखा भाई साहब, कोई हाफ चड्ढा पहन के, कोई ऐसे ही जैसी मर्जी आता है वैसे घुस जाता है दर्शन के लिए। तो शिव जी की शिवलिंग है वहाँ सामने है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है भाई, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हिमाचल प्रदेश के भैया हैं वो जो सामने फूल माला बेचते हैं, इधर शिव जी विराजमान है, बाबा बर्फानी वाले। प्रेम से और सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव। अब मैं अमृतसर के मेन सिटी में हूँ, माँ कसम क्या खतरनाक व्यू दिखता है यार इधर तो। वाह, ये लाल बिल्डिंग है, इधर बता रहे हैं कार पार्किंग है भाई। इस चौक पर किसी महान व्यक्ति की मूर्ति बनी है ऊपर घोड़े के साथ। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी यार। तो चलो भाई, फ्यूचर में फिर कभी आना होगा तो देखा जाएगा, वरना कोई बात नहीं। तो गोल्डन टेम्पल सामने है भाई। तो भाई इस वक्त मैं गोल्डन टेम्पल के अंदर हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने वो है गोल्डन टेम्पल, और वहाँ से लाइन लगा के जाना पड़ेगा अंदर, और कुछ इस प्रकार से व्यू दिखता है अंदर का। वाह कितना खूबसूरत है यार। ये जो पेड़ है गुरुद्वारा के अंदर बैर का है, और ये 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और इसे बहुत ही खूबसूरत और सेफ्टी तरीके से यहाँ रखा गया है। मतलब अभी हरा भरा इसे बांध के रखा गया है ताकि ये बिगड़े ना, टूटे ना। ये देखिए लोखंड से ऐसे चक्र बनाकर उसे बांध के रखा गया है, और बहुत ही पुराना बेर का पेड़ है, और इस पर नए नए किले भी निकलते रहते हैं। गोल्डन टेम्पल के अंदर है ये, प्रसादा बोलते हैं इसको, तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है यहाँ आके प्रसादा। कब कल सजस गाऊं गुरु नानक तो भाई साहब गोल्डन टेम्पल में मैं हूँ इस वक्त, रात को बज रहे हैं 11, और ये नाइट का व्यू है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। लाल वाली बिल्डिंग में लंगर चला करता है, और ये बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है, और यहाँ से लेके वहाँ तक दूसरे माले पहले माले पे लंगर खिलाते हैं। सामने है भाई साहब गोल्डन टेम्पल, और ऐसे कई गेट हैं प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं। बताते हैं कि इस कुंड में स्नान करने से जो रोगी होता है, कुष्ठ रोगी या और भी तमाम समस्याएं बॉडी में, फोड़िया फुंसी या दांत खाज खुजली बोलते हैं, इसमें स्नान करने से ठीक हो जाता है। वैसे तो हमारे गर्म कुंड में स्नान करने से ऐसे शरीर के रोग हैं जो वो ठीक हो जाते हैं। बाकी बहुत से लोग हैं स्नान करते हैं, और सुबह आज हवा चल रही है, मौसम बहुत ख़राब है भाई, बारिश कभी भी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से व्यू दिखता है इधर गोल्डन टेम्पल का। कल माथा टेक के आया था मैं, वहाँ लाइन लगाना पड़ता है, थोड़ा सा समय लगता है, भीड़ हो जाती है ना इसीलिए। बारिश ना भाई साहब काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगी है, अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, ये हाल है यार। निकलूँगा कब यहाँ से,
ये इस तरफ है मार्केट और सामने है प्राचीन श्री शनि देव जी का मंदिर और सामने है मेन प्रवेश द्वार टेंपल के अंदर जाने का, गोल्डन टेंपल के। और ये बाहर का व्यू है, इधर का पूरा मार्केट है भाई, तो कुछ इस प्रकार से व्यू दिख रहा है। तो भाई साहब ये पूरा मार्केट एरिया है और इसी के जस्ट सामने गोल्डन टेंपल का मेन गेट है और उस तरफ है जलियांवाला बाग। मैं अमृतसर सिटी से बाहर आ चुका हूँ, हालांकि मैं कल आ गया था 10 किलोमीटर चलकर, कल 3 बजे मौसम साफ हो गया था तो मैं यहाँ आ गया था। बाहर रोड पर एक गुरुद्वारा में रुक गया था और एक रात अमृतसर गोल्डन टेंपल के अंदर रुका था, मतलब गोल्डन टेंपल के बाहर चारों तरफ जो है हॉल बने हुए वहाँ रुक गया था। हालांकि और अच्छे से घुमाता फिराता उधर मैं आप लोगों को, लेकिन यात्रा पर हूँ और 2-3 दिन रुक नहीं सकता वहाँ, फिर कभी आना होगा यार स्पेशली, तो बहुत सी जगह हैं घुमाने के लिए। बाघा बॉर्डर भी जाता, लेकिन बाघा बॉर्डर के लिए बस शाम को मिलती है और फिर रात को रुकना पड़ता है उधर, सुबह में आना पड़ता है। ऐसे बोल रहे थे वैसे मुझे नहीं पता, हालांकि मैंने एक बस वाले भाई से पूछा था। तो अमृतसर में घूमने के लिए जगह बहुत ढेर सारी हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को जलियांवाला बाग नहीं दिखाया, और भी चीज़ें हैं। और बाकी अगर आप लोग अमृतसर गोल्डन टेंपल देखने जाते हैं तो अंदर लंगर खाना रहना फ्री है, हॉल में कहीं भी किसी भी जगह सो सकते हो, लेकिन आपको अपना कीमती सामान जो है सेव करके रखना पड़ेगा, मोबाइल पैसा पर्स वगैरह और जूते और बैग वहाँ जमा करा सकते हो, क्योंकि गोल्डन टेंपल के अंदर है ना भाई गुरुद्वारे जो बने हुए हैं चारों तरफ हॉल में, चोरियाँ बहुत होती हैं बताते हैं, मोबाइल बहुत चोरी करते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी की आईडी सेम है मुसाफिर अनुराग। तो मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द किसी अच्छी सी खूबसूरत सी वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।